नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत धर्मपुर पर्वत में, जहां पे आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान के द्वारा जो है पोखरे की सौंदर्यकरण कराया गया। आप देख सकते हैं ये सीधे जो है धर्मपुर पर्वत जाने वाला ये मेन सड़क है। हम बता दें कि जहां पे ये पोखरे का सौंदर्यकरण हुआ है, हर आने जाने वाले व्यक्ति को अपने तरफ स्वतः आकृष्ट कर रहा है। बता दें कि जो सरकार का जो सोच था कि गांवों को एक मॉडल के रूप में विकसित करना, सिर्फ उसी तरह देखा जा रहा है जो गांव के जो प्रधान हैं उनके द्वारा जो है किया जा रहा है। और गांव में क्या क्या जो है विकास, जो है बता दें कि 2 साल का कार्यकाल जो है अभी पूरा होने वाला है। और हमारे आप सामने देख सकते हैं ग्राम प्रधान के द्वारा जो है यहाँ पे बैठने के लिए जो है बेंच लगवाया गया है कि जो आने जाने वाले जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, उनको आराम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो गांव के जो प्रधान हैं उनके द्वारा इस गांव में क्या क्या विकास कार्य जो है कराए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदे इसमें हनुमान जी का भी झंडी लगाया गया, और यहीं पे हमारे बगल में देख सकते हैं यहाँ पे छठ घाट भी है। तो सीधे हम देर ना करते हुए जो यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे हम जानने की बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धर्मपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमर हिंदुस्तानी जी। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। पोखरे का सौंदर्यकरण कराया गया है, हर आने जाने वाले व्यक्ति को देखा जा बताया जाता है कि तो आकर्षित कर देता है। देखिए, इससे पहले यहाँ पे पोखरे पे चरगावा कुटी जो है, चरगावा कुटी पहले बाबा थे जो यहाँ बसाए इसको, और उन्हीं की तपोस्थली है। यहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। एक समय था कि यहाँ पे लोग मिट्टी कोड़ ले जाते थे अपने घर में काम करने के लिए, लिपने का काम करते थे। लेकिन आज लोगों की मांग पे और छठी माई के सुंदरीकरण के नाम पे अपना पोखरे का सुंदरीकरण और छठ माई के स्थान का सुंदरीकरण कराया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैठने का भी हमने व्यवस्था कराया और यहाँ पे लाइटिंग का व्यवस्था। अब रात्रि में आए तो इसकी भव्यता और बढ़ जाती है, और यहाँ पे शाम तक अब लोग आते हैं यहाँ पे टहलने का, बैठने का उनका बहुत अच्छा स्थान हो गया। पूर्व की अगर हम बात करें तो देखा जाता है यहाँ पे जो है कूड़ा करकट गंदगी का अंबार लगा हुआ करता था, लेकिन सौंदर्यकरण होने से कितना इसको लोगों को जो है लाभ मिल रहा है। पहले यहाँ पे बैठने का स्थान नहीं था और लोग आते थे, बस यहाँ चले जाते थे, और साल में एक बार छठ के अवसर पे ही यहाँ पे लोग आते थे, साफ सफाई करते थे और एक दो दिन यहाँ बैठते थे, रुकते थे। लेकिन जब से यह सौंदर्यकरण हो गया है तब से आप शाम को आएंगे या किसी वक्त आएंगे तो 2-4-10 लोग यहाँ जरूर मिल जाते हैं। तो ये लाभ आसपास के जो भी हमारे जनता है उसको ये मिल रहा है, अब भविष्य में भी इसका लाभ और मिलने वाला है। सरकार की भी सोच है कि गांव को जो है एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके, देखा जा रहा है उसी के तरफ भी आप भी अग्रसित हैं और गाँव को जो है एक मॉडल के रूप में जो है। लालन जी, ये बात सत्य है कि ये जो भी चीज हो रहा है वर्तमान सरकार की वजह से ही हो रहा है। वर्तमान सरकार की सोच है कि गांव को भी नगरी जैसे बनाया जाए, यहाँ भी वो सारी सुख सुविधाएं, जैसे मनरेगा पार्क है, पहले शहर में हम लोग पार्क देखते थे, यहाँ गांव गांव में पार्क दिख रहा है। हमारे यहाँ जमीन नहीं मिल पा रही, हमारे यहाँ भी पार्क बना होता लेकिन छोटा ही सही। हमारे यहाँ जो अमृत सरोवर का योजना आया मोदी जी का, माननीय योगी जी का, उनके द्वारा जो धन हमको आवंटित हुआ उसी में अपना छोटा ही जगह है लेकिन बहुत ही शानदार हमने काम करवाया है, आप इसको देख सकते हैं। चुनाव के समय में तमाम आपके द्वारा देखा गया कि आपने वादा किया, जनता ने आप पे विश्वास करके वोट दिया, तो क्या उनके वादे पे अमर हिंदुस्तानी जी खड़े उतरे? देखिए, हमने एक ही आवाज उठाया था विकास का। हमने कहा था कि जो भी जनता का धन है वो उस धन को हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे और उसका सदुपयोग करेंगे, जो मैं कर रहा हूँ। और जनता का अगर कोई बीच में मैं काम भी कराता हूँ, कोई आगे कहता है कि प्रधान जी, कोई सिंपल सिंपल व्यक्ति मेरा कोई भी आगे भाई कहता है प्रधान जी ये काम थोड़ा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो जाता तो और अच्छा हो जाता, तो मैं उसके अमल करता हूँ और उसकी बात को सुन के, और अगर वो अच्छा कह रहा है तो मैं वैसे ही काम कराता हूँ, कहता हूँ नहीं ठीक सजेशन दिए हो, समय पर दिए हो और आपने अच्छा कहा है, मैं वैसा कराता हूँ, सबकी सुनता हूँ। जो गाँव के जो सम्मानित लोग हैं अगर वो आपसे बातें कहते हैं तो आप उनकी बातों पर जो है गंभीरता से लेके उनको भी? जी बिल्कुल, एक बच्चे से लेकर और एक बुजुर्ग तक जो लोग भी हमको अगर आके सजेशन देते हैं कि आपके काम में ये काम थोड़ा ऐसे कर दिया जाए तो और इसकी भव्यता बढ़ जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी और अच्छा रहेगा, उपयोगी रहेगा, तो मैं तुरंत उनकी बात अमल करता हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पक्ष विपक्ष मैं नहीं देखता हूँ, उनका अमल करता हूँ, सही कह रहे हैं तो मैं उसको मान के वो काम करता हूँ।
हमेशा देखा गया चुनाव के वक्त की जो है आपने यही कहा कि इस बार जो है हमें वोट दीजिए और हम एक जो है गांव को एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। तो कितना जो है दो साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, कितना इस गांव को जो है अभी तक का जो भी धन आवंटन हुआ है सरकार द्वारा ग्राम सभा के लिए उसका हमने पूरी तरह 100% प्रयोग किया है और सदुपयोग किया है। और लोगों ने कहा है कि ये काम आवश्यक, जैसे कुर्सी की मांग होने, बेंच की मांग होने लगी, मैंने अभी तत्काल तुरंत बात किया सचिव से अपने और तुरंत बेंच लगाने का प्रावधान किया और तुरंत बेंच हमारे गांव में भी अब लग रहा है, धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। ऐसे ही इसका था कि इसका सुन्दरीकरण हो जाता है, चौराहा है बढ़िया, यहाँ लोग आते 10 लोग बैठते सुबह शाम, अच्छा लगता, तो ये भी काम हमने कराया। तो जो जो मांग उठती है जनता से मैं प्रयास करता हूँ कि उसको 100% किसी न किसी माध्यम से पूरा कराऊँ। और आपके द्वारा गांव में क्या विकास कार्य कराए गए? देखिए, और हमारे इस समय जो 1.5-2 साल का कार्य रहा उसमें कई ऐसे रास्ते जो डिस्टर्ब थे, ग्राम सभा में आने के लिए रास्ते नहीं थे, उस पर हमने काम किया। जल निकासी की समस्या थी उसके लिए हमने काम किया। इसके साथ साथ विद्यालय के सुंदरीकरण के लिए, आप पीछे चलेंगे, मैंने विद्यालय का एक पछड़वा टोले पे ही एक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, उसका बाउंड्री वॉल से लेकर उसकी पेंटिंग डेंटिंग आप देखेंगे तो एक मॉडल के जैसे, और उसमें रास्ते नहीं थे बच्चों को जाने के लिए, मैंने RCC का निर्माण, इस तरह का जो आधार है जो जनहित में आवश्यक है वो काम मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं हमेशा ही विकास को तवज्जो दिया हूँ, मैं किसी विवाद को तवज्जो नहीं देता हूँ। आगे की क्या सोच है ग्राम सभा को लेकर? आगे का सोच यही है कि जो भी धन आए उसका सदुपयोग हो, और सोच ये है कि जन जन की भागीदारी हो। मैं सबको सिखाता हूँ, सबको बताता हूँ कि जो भी ये पैसा आया है वो आप ही का है, जो भी धन यहाँ दिख रहा है वो मेरा नहीं है, वो मेरे घर का नहीं है, वो धन आप लोग का है। हाँ, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके इस धन का मालिक बनाया है कि हाँ अगले को मालिक बनाएंगे तो ये अच्छा काम करेगा। तो मैं बस एक माध्यम मात्र हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, लेकिन ये धन आप लोग का है और आप लोग जैसा कहेंगे वैसा इसका उपयोग किया जाएगा। हमारे साथ इस गांव के सम्मानित हैं अजय कुशवाहा जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे पोखरे का जो है सुंदरीकरण जो ग्राम प्रधान जी के द्वारा कराया गया है उनको कैसा मतलब लग रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले हम आपको आपके चैनल द्वारा News 24 में स्वागत करता हूँ कि जो आप हमको मौका दिए, उसके साथ साथ जो सुंदरीकरण हुआ है हमारे प्रधान जी द्वारा बहुत अच्छा हुआ है। इसके पहले बता दें कि यहाँ पे गड्ढा हुआ करता था पूरी तरह से, यानी सर सफाई भी नहीं हुआ करता था, लेकिन हमारे प्रधान जी द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ और ये सुदृढ़ कहा जाए सुदृढ़ और बहुत अच्छा तरीका हुआ और इसका रौनक बढ़ गया, इस चौराहे का बहुत रौनक बढ़ गया। पहले और अब में क्या बदलाव दिखा? पहले जो था देखा गया कि पहले बहुत खंडहर था, लोगों को बहुत दिक्कत परेशानियाँ होती थी अगल बगल बैठने में चाहे इधर उधर जाने में, लेकिन इसमें इंटरलॉकिंग हो जाने की वजह से लोगों को वो दुख वाली बात समाप्त हो गई। उसके साथ साथ लोग पूरी अच्छी तरह से बैठने लगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। पोखरे का जो सुंदरीकरण हुआ है क्या अच्छा हुआ? पोखरे का सुंदरीकरण अभी अच्छा हुआ, पोखरे का काम अभी चल ही रहा है। आप एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण होते हुए भी आप देखा गया कि जो यहाँ सिरपट लगा हुआ है उस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है नाम दिया गया है। देखिए, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञानी समाज में हो, और मैं मानता हूँ कि बाबा साहब एक ब्राह्मण से कम नहीं थे, उनसे ज़्यादा ज्ञानी जिस समय समाज में तरह तरह की कुरीतियाँ भरी पड़ी थी, उस समय पढ़ाई लिखाई हर तरह रोका जा रहा था, उस समय बाबा साहब ने कई विषयों में PhD हासिल किया। और आज के आधुनिक काल में भी, आधुनिक भारत में भी अगर कोई लीडर है युवाओं के लिए तो बाबा साहब, और बाबा साहब को अगर जो पढ़ता है मैं निश्चित कह रहा हूँ कि वो भारत के इतिहास को पढ़ता है। अब भारत की जमीनी इतिहास क्या है वो बाबा साहब के जीवन से सीखने वाली चीज़ें हैं। तो बाबा साहब हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और उन्होंने एक ब्राह्मण की बात जो जहाँ तक आप बता रहे हैं, तो हमारे जो धर्म में, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें जो कहा गया है कि वर्ण व्यवस्थाएं थी उस समय, ऐसे देखा जाता है कि गांव में अधिकांश जो होते हैं वो बाबा भीमराव को नहीं मानते हैं जी,
देखिए ये बात सत्य कह रहे हैं कि अफवाहें बहुत सारी पड़ी पड़ी हैं कि हमारे महापुरुष हैं, वो उनके महापुरुष हैं, उनके संत हैं, उनके फकीर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो फकीर होता है, जो संत होता है, जो महापुरुष होता है, वो सबका होता है, वो किसी एक विशेष का नहीं होता है। आज मैं प्रतिनिधि हूँ इस ग्राम सभा का, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं सबका प्रतिनिधि हूँ, किसी एक का नहीं हूँ। ऐसे ही बाबा साहेब किसी एक के नहीं है, लेकिन कुछ समाज को बांटने वाले लोगों ने बाबा साहेब को अलग कर दिया, गांधी को अलग कर दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अलग कर दिया, तो वल्लभ भाई पटेल को अलग कर दिया। उनकी एक अपनी क्षमता है और उनका एक अपना स्थान है, और ये सब महापुरुष हमारे लिए पूजनीय है। और जो लोग ऐसा बांटने काम करते हैं कि वो उनके नेता हैं, वो उनके नेता हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम सबके नेता थे। शिक्षा के प्रति जो है अपने गाँव के बच्चों को कितना लेकर जो जागरूक, मैं हमेशा हमेशा से मैं यही सिखाता हूँ, जो भी हमारे गरीब बंधु हैं, भाई हैं, कमजोर हैं, उन सबको मैं यही सिखाता हूँ कि आप शिक्षित बनाइए, एक समय भोजन मत करिए, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा से ही ग्राम अपने समाज का, अपने गाँव का, अपने राष्ट्र का उत्थान होने वाला है, नहीं तो कभी उत्थान नहीं हुआ, समाज का शिक्षा नहीं रहेगा। जैसा कि इस गांव के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमर हिंदुस्तानी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि हमारा गांव जो है विकास की ओर अग्रसर है, और सरकार की और भी जो बजट आएंगी उससे जो है गांव में और विकास होगा। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता कुशीनगर से।